हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं अभी व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज मैं नहावा लिया हूँ, खाना बचा है, अभी नाश्ता बचा है सुबह का। नहावा के रेडी हो गया हूँ, फ्रेश हो गया हूँ मस्त। और घर में सभी लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। अभी गाइस नहा लिया हूँ तो बहुत तेज़ भूख लग रहा है, तो पहले तो रोटी खा लेते हैं, उसके बाद बाकी काम बाद में करेंगे अपन। पापा अभी पूजा करने के लिए गए हैं, फिर आ जाए, फिर एक साथ बैठ करके रोटी खाएँगे। और अपन घर के सामने में ही ना नीम का पेड़ लगा है, उसमें मटर भी उग गया है, वो दिख रहा है मटर। ये मटर वाला है, उग गया है। और नीम का पेड़ लगाए हैं, कनेर का फूल वाला है। और ये लीची पेड़ है, और छुई में बोलते हैं। और वो दसमत का फूल तो घर के सामने में लगाए हैं। ये बड़ा होगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा, मस्त तो ठंडी ठंडी हवा आती। नीम का पेड़ घर के सामने लगाओ ना, एकदम शुद्ध वातावरण हो जाता है घर का। क्या सब्जी बना है? आलू की सब्जी, आलू बड़ी की सब्जी है। चावल को फ्राई करेंगे और रोटी बना है आज खाने में। आधा मटर तो मुंह में जा रहा है, आधा इसमें हो गई। ये हो गया चावल फ्राई, मस्त दिख रहा है, धनिया डाल के एकदम। जल्दी निकाल रोटी को, सब्जी को। तो अभी रोटी वोटी तो खा ले हूँ, पापा बचे हैं रोटी खाने के लिए, भाई बचे हैं, मैं खाने वाली हूँ रोटी। अभी देखता हूँ कहाँ जाते हैं आज, कुछ काम है, बाहर जाना पड़ेगा। जा जल्दी नहा ले, फिर खा लेना तू भी, ठीक है? जल्दी नहा जाके। दिन में 10 बार नहाओ ना छत पे, तब तक पूरा काम नहीं होता, ना ही दिन ढलता है। पूरा तीली को सुखाना है, मोटा सा चादर, मोटा चादर जैसा सुखा दे पापा, उसको इसमें सुखाना है और डालना पड़ेगा इसको। बहुत मोटा सुखा के रख दिए हैं पापा का। अभी सीमित इतना काफ़ी है, आधा घंटा हो गया खाते खाते। जल्दी खा, छोटा सा, ठीक है, मेरे भी छोटा सा। जल्दी काट, छोटा सा दे, इतना छोटा भी मत दे कि पेट पूरा भरे। दूसरा दे। सिम तोड़ने के लिए आया है बड़े मम्मी के घर, देखते हैं कितना सारा निकलता है। ये उनकी बाड़ी है, कुछ कुछ सब्जी है यहाँ पे, और जाम। और उधर है पक्का वाला, देखते कितना सारा सिम तोड़ने के लायक हुआ कि नहीं हुआ। मेरे तो छोटा छोटा दिखता है, इधर भी नहीं दिख रहा है। नहीं होगा, शायद ही होगा, छोटा छोटा दिख रहा है। ये इतना सारा सिम निकला, मैं घर आ गया था किसी काम से, तो ये तोड़ करके लाई वहाँ से, बहुत सारा है। बड़े मम्मी देख लो इतना है। नाक काटने के लिए नाखून कटर खोज रही थी, देख इस छोटे से बक्से में कितना सारा सामान भरा पड़े, सबको फेंक दूंगा एक दिन, कचरा जैसा है सब। मम्मी और मैं अभी इसी को सजा रहे हैं कुछ काम से। मम्मी अभी तक घर से नहीं निकले, मैं निकाल कर खड़ा हूँ यहाँ पे, 10 मिनट हो गए। ज़्यादा देर होता है ना तो बोर लगता है, कहीं जाने का मन नहीं करता है। इतना भीड़ है कि पूछो ही मत, पार्सी कोसा बहुत ज़्यादा भीड़ है। नल फिट करने वाले आए थे, हर गांव में नल लग रहा है, हर घर में लगा करके गए, ये लगा करके गए हैं हमारे घर में नल फिट कर करके। कनेक्शन अभी नहीं हुआ है, बस ऐसे ही लगा करके गए हैं। देखो अभी जो सरकारी नल बन रहा है वो ऐसे टाइप में बन रहा है, अगर आपको इसमें चौड़ी बनाना है तो वो भी बन जाएगा। लेकिन ये जो पाइप दिया है ये कनेक्शन नहीं हुआ है, ये वाला पाइप काला कलर का दिया है, बहुत बड़ा है। ये कनेक्शन में जुड़ेगा, जब कनेक्शन होगा तो उससे फिर उसी से आएगा पानी, नया नल लगेगा तो। अभी पूरा कनेक्शन बचा है, पूरा गाँव में कनेक्शन होने वाला है। ऐसे धूप में बैठी मम्मी, बैठ के अकेले गाजर खा रही, मेरे को नहीं दे रही है, कचर 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 पूरा खा गई, सभी गाजर ख़त्म कर दिए। मंगलवार को लेकर के आए थे आप, आज बुधवार है ना, हाँ सभी गाजर ख़त्म कर दिया आज। तो खाए बोला ना, देखेगा देखने के लिए लाते हैं, खाने के लिए थोड़ी गाजर लाएंगे, देखने के लिए लाते हैं। अभी शाम को 4 बज गए, लेकिन ऐसा लग रहा है अभी दोपहर ही है, लेकिन 4 बज चुके हैं हम शाम में। चाय बनाने के लिए आ गई, कौन कौन बोला चाय बनाने के लिए? मैं तो नहीं बोला, आज कैसे अपने आप से चाय बना लेगी? चाय पत्ती हवे नहीं, चाय पत्ती होगा ना डिब्बे में, इसमें डिब्बे में नहीं है, उतना बस है और नहीं है, और नहीं है, फिर उसी को डाल।
उसी को डाल देना। मैं दुकान गया था चाय पत्ती ले आया, लेकिन इसका चाय अभी तक नहीं बना। मैं चाय पत्ती वापस ले आया ले करके, अभी तक चाय नहीं बना। इस चाय को मैं डप कर रहा हूँ, मतलब उबाल रहा हूँ। फूल है छत से तोड़ लेना, ठीक है। अभी पूजा पाठ की तैयारी शुरू हो गया है, अभी शाम ही हुआ। सेवा परमो धर्म, सेवा बहुत ज़रूरी है आदमी इंसान के ज़िंदगी में, मालूम है ना। कोई आग सुलगा सकते, कोई पानी भर सकते, बहुत ज़रूरी है ये सब काम, तो बहुत ज़रूरी है। नहीं ठीक है, बढ़िया हो गया टाइम, ठीक है ना, डाल दूँगा। नल स्टार्ट हो गया तो पानी भरना है, पानी भरना पड़ा है ड्रम में। यूज़ करने के लिए ड्रम में पानी भरना बहुत ज़रूरी होता है। मालिश, बढ़िया मालिश करवा रहा है बच्चा। इवनिंग टाइम है, सूर्यास्त हो रहा है, मस्त। इसमें लाइट होता है, उसको जलाया नहीं है, जलाने के लिए जा रहा हूँ। बेल पेड़ ये जल गया। शाम का समय, अपने गांव के मंदिर में ना आरती हो रहा है, मस्त एकदम संध्याकालीन आरती मस्त सुनाई देता है। क्या हो रहा है भाई, क्या ढूंढ रहे थे मेरे पर्स में, बता बता क्या ढूंढ रहे थे, तो क्या ढूंढ रहे थे, बताओ बताओ क्या ढूंढ रहे थे। आज खिड़की लगाने वाले भी आए थे तो खिड़की लगवाए हैं। खिड़की लगाना बचा था, किचन वाला खिड़की और एक तो वहाँ पास का खिड़की बचा था, तो ये कंप्लीट हो गया। इस खिड़की लग गया, अब जाली वाला खिड़की, अंदर में जाली भी है। ये तो अब खिड़की वाला काम कंप्लीट हो गया। और हम लोग खाना खा लिए हैं, खाना खाने के लिए बैठी है अभी। सब्जी, प्याज भाजी, अचार, चावल का। हर बार की तरह फिर से किचन की साफ़ सफाई चल रही है, खाना वाना खाने के बाद रात को, क्योंकि जल्दी ना किचन का जो एरिया होता है टाइल्स वगैरह वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। किचन हल्दी मिर्ची धनिया इधर उधर गिरते रहते हैं, सब्जी वब्जी बनता है खाना वाना, तो जल्दी उनका फ्लोर ख़राब होता है। तो साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, हर 15 दिन 10 दिन में साफ कर लो, जैसे ही गंदा हो जाए। अरे नल वाला एरिया तो और जल्दी ख़राब होता है, साबुन वाबुन सब इधर उधर छटकते रहते हैं। कौन सा वाला, अच्छा वो वाला विम बार का है ना, मस्त सेंट आ रहा है। इसको तो और साफ करते रहना पड़ता है नल वाले इलाके को, वरना पानी कभी वो जम जाता है। और किचन की साफ़ सफाई कंप्लीट, अब अच्छा लगा। और दूध रख दिया है गर्म करने के लिए, जैसे दूध गर्म होगा इसको मस्त पियेंगे। आज ही नया डिब्बा लेकर के आया हूँ, एक डिब्बा फिर से ख़त्म हो गया इसका, तो इसको फिर से ओपन करूँगा आज।